औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे रेड वाय हेल्थ क्लब में आए हुए हैं, जिनके प्रोप्राइटर अल्ताफ खान साहब है। अल्ताफ खान साहब से पूछते हैं कि अल्ताफ खान साहब, आप इस फील्ड में कब से हैं और ये ट्रेन जो आपने हेल्थ क्लब खोला है वो कितने साल हो गए, उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ बिल्डर है। जैसे कि मेरे जिम को माशाल्लाह 10 साल हो रहे हैं और मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में 15 साल से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मेरे प्यारे नबी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में 57 टाइम चैम्पियनशिप से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आज 8 दिन पहले हमने इंटर क्लब बॉडी बिल्डिंग शो लिया था जैटवा जिम एंड फिटनेस पॉइंट से, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 20 बॉडी बिल्डर्स मेरे जिम से पार्टिसिपेट हुए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सभी का बहुत अच्छे से रैंक लगा। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ वक्त में मैं अपने जैटवा जिम एंड फिटनेस पॉइंट से बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स को फोकस करूँगा और उन्हें अच्छा बेस्ट चैम्पियन बनाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में ये बच्चे का वेट 110 किलो था, 3 महीने में मैंने इसका 30 से 35 किलो वेट कम किया है। अल्ताफ सर, जो नौजवान आपके पास में बिल्डर बनने के लिए आते हैं, तो उनके खान पान के लिए, डाइट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे नौजवान जो नए आपके पास एडमिशन लेते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे वर्कआउट के लिए आते हैं, तो सिर्फ वर्कआउट करने से हेल्थ नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो हमाल 15 से 20 घंटे वर्कआउट के हिसाब से काम करते, मगर हमाली करने में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि जो बच्चे जिम में आते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन होना ज़रूरी है, प्रोटीन के साथ में डाइट होना ज़रूरी है। सिर्फ डाइट अगर हम लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 70% डाइट के ऊपर फोकस होता है और 30% वर्कआउट के ऊपर होता है। तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ वर्कआउट करेंगे और घर का खाना खा लेंगे, घर का खाना खाने से सिर्फ पेट भरता है। वर्कआउट करने से बॉडी इम्प्रूवमेंट होती है, मगर इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ में उसे चिकन, एग, प्रोटीन्स, सलाद, फ्रूट बहुत लेना ज़रूरी होता है। अल्ताफ सर, कुछ नौजवान इस फील्ड में आपके आना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो बेरोजगार है, तो इसको मिनिमम खर्चा कितना आता है? अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है तो उनको क्या रहनुमाई करेंगे आप ऐसे नौजवानों? मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्कआउट करें, और वर्कआउट करने से जो हेल्थ पे फोकस होता है, तो 50 लोग के बीच में अगर एक जना खड़ा होता है जिसकी हेल्थ अच्छी है, तो उसका जो इम्प्रेशन गिरता है, तो उसे देखने के बाद में उसे बाउंसर के ऑफर आते हैं। एक बाउंसर एक दिन का 1000 रुपया कमाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट होती है। वर्कआउट करें, डाइट पे ख्याल करें, और वर्कआउट करेंगे हम तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हमें बहुत सारे बाउंसर्स के ऑफर आएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ खान है और मुझे माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में अल्ताफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में मनोज सर भी है, जो वर्कआउट के लिए जेड वाई जिम में आते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि सर, दूसरे भी जिम है और सिटी में अदर्स, तो आप जेड वाई में क्यों आते हैं, ऐसे जेड वाई में क्या सुविधा है, उस बारे में बोलिए। हाँ, मैंने ये जिम ज्वाइन करे हुए 1.5 महीना ही हुआ है। इससे पहले मैंने सर जी को, अल्ताफ सर जी को, भीमश्री टाइटल में देखा था और वहाँ मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। मैं दूसरे जिम में था, वहाँ मैं ज़्यादा पैसे देकर जा रहा था, लेकिन मैं सर से बहुत इम्प्रेस हुआ, इसलिए मैंने अभी 1.5 महीना हुआ जिम ज्वाइन करी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा हाथ भी चल नहीं रहा था, लेकिन सर की ट्रेनिंग की वजह से मैं अभी ठीक हुआ हूँ और हर रोज़ आ रहा हूँ। और सर पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं यहाँ, बाकी जगह बहुत ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिलती। जिम तो बहुत अच्छा होता है, एसी होते हैं, नाम के ही रहते हो, लेकिन इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं रहता। हमारे साथ मौजूद है जेड वाई जिम के ट्रेनर दास्तान खान साहब, उनसे भी मालूम लेते हैं कि सर, आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं, तो आप स्टूडेंट को कैसे रहनुमाई करते हो, उस बारे में बताएं। मेरा बोलने का मतलब ये है, जैसा जो नौजवान बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं, जो ज़्यादा शौक कर रहे हैं, तो वैसे शौक ना करे गाड़ी वाड़ी का। रात रात भर बैठे रह रहे, मैं देख रहा हूँ ये हमारे अतराफ में ग्राउंड में, मोइलुम के स्कूल के पास में इतना बड़ा ग्राउंड है,
बड़े बड़े शौक कर रहे, बड़े बड़े हर चीज़ कर रहे समझ लो, बड़े बड़े शौक बोले तो गाड़ी के हो गए। हाँ, रात में जाके खाकदीपुरा चाय पीएंगे तो नींद खराब मत करे, सिगरेट पी रहे बहुत से बहुत, रात में जगने से स्पम कम हो रहा, हाँ हर चीज़ हो रही। और गाड़ी की जो शौक कर रहे ना, तो वो ना करते हुए जिम में आके जिम मारिए दम बेहतरीन। हमारा कहना ये है कि रात में जो बच्चे जगते हैं तो रात में जगने से जो अंदरूनी जो ताकत होती है, जो स्पम हमारे जो होते हैं, तो वो स्पम है ना रात में जगने से पतला हो जाता है, और हेयर जो होते हैं ना तो वो सर के बाल झड़ जाते हैं। तो डीके का यही कहना है कि रात में मोनिलुम जो हमारा ग्राउंड है सिल्क मिल का, तो वहाँ पे रात रात भर बच्चे है ना बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि ड्रिंक के साथ में सिगरेट, ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे नशे, तो वो नशे में पैसे बर्बाद नहीं करते हुए हमारी हेल्थ पर केयर करें और हेल्थ पर लगाएं ना, प्रोटीन डाइट पे इन्वेस्ट करें। ये कहना है सुबह में जल्द से जल्द उठे, रात भर जगरे और दोपहर तक सो रहे, तो उसमें क्या मतलब हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि रात में जल्द से जल्द सो जाए और सुबह में जल्द फजर की नमाज़ पढ़ के जिम को आए। फिर आधा पौन घंटा दीजिए जिम के लिए, बस ये कहना चाहेंगे। अल्ताफ सर, हमने पूछा था कि जो नौजवान आपके जैसा कोई हेल्थ क्लब खोलना चाहता है, जो बेरोज़गार है, तो हमने पूछा था आपसे कि इसमें खर्चा कितना आता है, इन्वेस्टमेंट कितना आता है, उस बारे में बताएं। मेरा ये कहना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है ना कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होता है। तो बेरोज़गार के लिए मेरा यही कहना है कि जैसा कि मैंने पहली स्पीच में कहा था कि हेल्थ के ऊपर केयर करें। बाउंसर का अगर जब जॉब स्टार्ट होता है तो कम से कम 1000 रुपये, अगर मंथली अगर 1000 रुपये रोज़ का डेली कमाता है वो, तो मंथली कितना हो रहा है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है। तो बेरोज़गार के लिए बाउंसर का जॉब सब में बेस्ट है। वो तीन का जोड़कर कैसा है, वो एक मिसाल है, बूंद 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 से समंदर जुड़ता है, समंदर बनता है। तो मेरा यही कहना है कि बाउंसर का जॉब करे, हेल्थ बनाए और अपना जिम खुद का खोले। जिम के लिए इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 से 15 लाख रुपए होता है। अल्ताफ सर, आखिरी सवाल है मेरा कि आपकी एसोसिएशन भी होती है बॉडी बिल्डिंग की, तो आपकी एसोसिएशन ने कभी महाराष्ट्र सरकार से या केंद्र सरकार से आपके हेल्थ क्लब के लिए कोई मदद के लिए, अनुदान के लिए कभी सिफारिश की है कि, उस बारे में बताइए थोड़े से। हम बॉडी बिल्डर्स को सेल्फ डिफेंस आज तक किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। हम जो भी करते हैं अल्लाह करम से खुद सेल्फ डिफेंस करते हैं। यहाँ तक कि हमने औरंगाबाद से लेकर मराठवाड़ा महाराष्ट्र मिस्टर वर्ल्ड में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और आज तक मैंने गवर्नमेंट से हमारी कोई फैसिलिटी नहीं मिली और कुछ भी हमारे को उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट से हमारे को किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आज हमारा जैसा ना जैसा हो गया, मगर जो न्यू जनरेशन है, जो बॉडी बिल्डर्स जो न्यू अभी मेहनत कर रहे हैं, तो वो सारे गरीब घरों से है, सारे गरीब तबके से है, गरीब घरों से है। तो मेरा यही कहना है कि इन बॉडी बिल्डर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अच्छा सर, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ, उस बारे में बताइए। मेरा बीकॉम सेकंड ईयर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने 10वीं पास करने के बाद में मैंने हमाली किया, मैंने नींबू शरबत की गाड़ी लगाई, मैंने बहुत ऐसी वर्क किया जिस जो मैं बयान नहीं कर सकता। और अल्लाह से यही उम्मीद थी कि मैं एक दिन इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ूँगा और बहुत नाम करूँगा बॉडी बिल्डिंग में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ से और मेरे माँ बाप की दुआओं से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा बड़ा भाई इमरान भाई, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और हमारे मनोज बाकलीवाल साहब जो मेरे लिए बहुत बड़े जरिया बने हैं। Right now, and press the bell icon.